एटीट्यूड में बैठो भाई। हां वो 500 रुपए का था। ओ हाउस होस्टल लाइफ इन इंदौर। सर एक्चुअली आई मिस माय होम अलोन। मंजिल ही एक्सपेक्ट है। ऑफिस का दुख यहाँ पे आने लगा है और ये बैठे हैं सर यहाँ पे भाई साहब द रियल बॉस जेडी द वन एंड ओनली। लुक एट द सीट। सिर्फ चप्पल को क्रॉप कर दें एडिटर। थोड़ा एटीट्यूड में बैठो भाई। हाँ, वो भाई साहब ये है जबल। तो सर आप थोड़ा बताओगे हम लोग कहाँ से पढ़ाने वाले हैं, कैसे होने वाला है क्लास? हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे अभी। देखो यहाँ से भी हम लोग पढ़ाएंगे। ओके यहाँ पे टोटल प्रोजेक्टर एक यहाँ पे लगेगा। ओके प्रोजेक्टर वहाँ भी आ रहा है। ओके एंड जनरली 3 और 4 टीम स्क्रीन्स रहेगी। 3 स्क्रीन्स जो बच्चों को और ज्यादा देखने में विजिबल। तो क्या आप इस पे फिर मैच वैच भी दिखाने वाले हो? सर देखो उस दिन आपको वीडियो दिखाएंगे। देखिए आपकी मस्ती। तो धीरे धीरे करके क्लासरूम अब शेप ले रहा है और काफी काम बचा है, बट काफी काम हो भी रहा है। कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड। 15 तारीख तक काम कब तक होना चाहिए? 13 तारीख तक। 14 का दिन तो सफाई में लगेगा। कल आप लोग काम कर लेंगे? कल कर लो यार। अभी समय ऑफिस में हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड यू नो एज सून एज स्टूडेंट्स आर नोइंग के मैं यहाँ पर हूँ दे आर कमिंग टू मीट मी। सो यहाँ पर आयुष और मोनिश्का है और ये दोनों मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर। आप दोनों इंदौर से हैं? नहीं, फ्रॉम ग्वालियर। बट यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल ओवर हियर? ओह हाउ इज हॉस्टल लाइफ इन इंदौर? सर एक्चुअली आई मिस माय होम अलॉट। यू मिस योर होम अलॉट? यू होम सिक? और आप लोकल लाइट है? हां सर आई एम। तो कैसा लग रहा है कि एकाग्रता इंदौर में आ गया? सर एक्सट्रीम लेवल की खुशी है कि कोई अपनी कोचिंग हमारे खुद के शहर में आए। चलो बहुत अच्छा। तो अभी हमारा ऑफिस रेडी नहीं है, जब ऑफिस रेडी होगा 15 को आप जरूर आना। ठीक है, चलो थैंक यू। सो आज का दिन काफी प्रोडक्टिव रहा और डे को हम करने जा रहे हैं एंड। 7 बज गई है, टांगे टूट गई है घूम घूम के। आज हम दोनों दिन भर घूम रहे थे हमारी एकेडमी के आसपास जितने भी हॉस्टल्स हैं उन सब लोगों से बात करने के लिए। तो क्या आउटकम रहा जतिन भाई आज का? सर आउटकम ये है कि हर तरह के रूम्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 और 3500 से रूम चालू हो जाते हैं। वो भी कोई हॉस्टल मिल जाएंगे कल? वो वाली इच्छा अभी अधूरी रह जाएगी आपकी। ठीक है, वो अभी तो पूरी करने का मन है। ठीक है, बट वो चल रहा है। तो गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। दूर है थोड़ा सा, एक दो दिवाली बीच में है कि। तो 3000-3500 से चालू हो रहा है रूम एंड वहाँ से लेकर जो है स्टैंडा लर्निंग जो होता है, जो बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर लाइब्रेरी, मैस प्रॉपर मिलता है, कपड़े धोने का मतलब लॉन्ड्री वगैरह सारे सिस्टम होते हैं। मतलब 3000 रुपये से लेकर स्टैंडा लिविंग जो जाता है अराउंड 10-11 हज़ार रुपये, सारी रेंज अवेलेबल है अपने आसपास में ही। मैस भी अवेलेबल है प्रॉपर, मतलब खाने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है एंड ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो कहीं भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार हम आएंगे जाएंगे कैसे, एकदम मतलब यहाँ से उतरे 5 से 6 मिनट के अंदर आप हॉस्टल पर। तो आप किस टाइप की फैसिलिटी चाहते हैं? करेक्ट, मतलब हमारा जो ओवरऑल रिसर्च रहा भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं 2007 से लेकर 2011 तक पुणे में रहता था लक्ष्मी रोड पे। उस समय में सर मेरा मंजिली एक्सपायर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस समय जो मेरा मंथली एक्सपेंस होता था हॉस्टल और मेस, पेट्रोल वगैरह से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हॉस्टल और मेस, वो तकरीबन 7000 रुपये महीना आता था। आज भी 7000? तो उसमें मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था। उसमें क्लीनिंग इंक्लूडेड नहीं थी, क्लीनिंग मुझे खुद को करनी होती थी, नहीं तो बाई आती थी उसको अलग से पे करना होता था। कपड़े धोने का उसमें इंक्लूडेड नहीं था, आयरनिंग नहीं थी। करेक्ट, वो बेसिक आपको एक रूम मिला था, मेरा रूम था कुछ 8x10 का। ठीक है, एक रूम मिला था और रूम के अंदर एक कॉट था, एक स्टडी टेबल, एक चेयर, एक अलमारी, एक लाइट, एक फैन। तो बिजली का अगर सब उसमें आ गया, बिजली वगैरह सब उसी में आ गया। और मेस का तो यार डिपेंड करता था कौन कैसे लगाता था, मतलब पुणे में भी मुझे याद है उस समय 1500 रुपये दोनों टाइम की मेस मिलती थी और बहुत ही थर्ड क्लास खाना मिलता था। तो मैंने थोड़ी अच्छी वाली मेस लगाई थी, कुछ 4000-4500 रुपये थे, मुरलीधर में लगाई थी मैंने और उसका बहुत अच्छा खाना था। तो 7000 रुपये में अगर आज इंदौर में महीने का हो रहा है
तो यार इन्फ्लेशन हुआ कहाँ? हुआ ही नहीं ना, बस हुआ ही नहीं। मैं ये चीज सोच रहा हूँ भाई, इन्फ्लेशन हुआ कहाँ? और एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, आज का जो हमारा ये सेशन रहा, हम जो घूम के आए ना, इतना आई ओपनिंग था। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, एक एक टास्क सब्जन ने करो। आप लोग फैमिली के साथ रहते हो तो आपको पता नहीं कि आपका खुद का खर्चा कितना होता है, लेकिन ट्राई टू कैलकुलेट दैट, है ना? मेरे हिसाब से करना चाहिए। आटा डाल के बहुत पता। हाँ, आपको ये कैलकुलेशन करना चाहिए कि आपके ऑन एन एवरेज हर महीने में कितने कपड़े धुलते हैं, नंबर ऑफ क्लोथ्स। तो बाहर मैं ये बता रहा हूँ कि बाहर की सिचुएशन ये है कि पैंट हो या शर्ट हो या पजामा हो या लुंगी हो या कुछ भी हो, रेट सबका एक लगता है। तो नंबर ऑफ क्लोथ्स काउंट कर लीजिए। लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स। सो नंबर ऑफ क्लोथ्स काउंट कर लीजिए, कितने क्लोथ्स वॉश होते हैं, कितने क्लोथ्स उसके बाद में आयरनिंग होते हैं, उसके ऊपर उसकी रेट डिपेंड करती है। तो आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद में खाने पीने का एक मोटा मोटी निकाल लो यार, मतलब रियली खाने पीने का उल्टा घर में ज्यादा ही लगता होगा, कम नहीं लगता होगा, क्योंकि हम लोग खाना अच्छा सस्ता दोनों मिले। मतलब मैं पुणे में रहा हूँ 2 साल, 2018-19 में ही पुणे में रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट जो अपनी एकदम खराब हॉस्टल लाइफ होती है वही थी। तो यार ऑल सेट एंड डन, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंफर्ट यू वांट, 7,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक मंथली एक्सपेंडिचर इंदौर में हमारी अकेडमी के आसपास हो जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस में गाड़ी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज यहाँ पर हमारे इस नए क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, और बस अब निकलेंगे ड्यूटी खत्म करके घर पे। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। कोई भी सवाल है तो यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। कल का दिन फिर से शुरू करेंगे एक नए टास्क के साथ। आज के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।